सिंध एमएमए एसोसिएशन का नेशनल फाइटर के लिए सिंध के मुख्तलिफ अज़ला के एकेडमी से किक बॉक्सिंग के ट्रायल्स करवाए गए, जिनमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। ट्रायल सदर मौलाना कुतुबुद्दीन ज़रीनी, जनरल सेक्रेटरी गोहर गुल, सीनियर नायब सदर गुलाब शाह, पिनान सेक्रेटरी अमरुल्ला, नायब सदर सैफुल्ला, नायब सदर डॉक्टर नदीम अख्तर और प्रेस सेक्रेटरी सनाउल्ला का कड़ के निगरानी में कराए गए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त फाइट करके नेशनल फाइट के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। बाद में एसोसिएशन के जिम्मेदारान और खिलाड़ियों का मीडिया से बातचीत भी की। मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन है, ये अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, अलबत्त हम मुंसलिक हैं पाकिस्तान फेडरेशन के साथ। पाकिस्तान फेडरेशन जो के वो स्पॉन्सर दे रहे एस ए गार्डन, और एस ए गार्डन हमारी प्रमोट कर रहे हैं, और बाकी अपने मदद आप अपने खुद में ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और वो आगे निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शहरी कायद में बहुत ऐसे बच्चे हैं कि आज आप खुद देख रहे हो कि गर्ल्स की फाइट भी हुआ और बॉयज़ की वो भी हुआ, तो हमारी हाँ है ऐसे बच्चे के वो शहरी कायद के नाम रोशन करके लेकर आए। रजिस्ट्रेशन जो हैं वो तकरीबन 90 प्लस थी, 10 गर्ल्स फीमेल फाइटर्स थी, अपेरेंस जो है वो 60 प्लस की है, और किसके तहत करवाए जा रहे हैं ये सिंध मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के थ्रू करवाए जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन से मुंसलिक हैं कि यहाँ से जो टीम सेलेक्ट होकर जाएगी वो नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट जो कि लाहौर में मुनक्किद हो रहे हैं वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेगी, और वहाँ से जो टीम क्वालिफाई करेगी वो इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के साथ मुंसलिक होकर और वहाँ फ़ाइट्स करेंगी। ऐसे गार्डन हमारे जो है मेन स्पॉन्सर हैं जो कि फ़ाइटर्स को स्पॉन्सर करते हैं, और उन्हीं के थ्रू ये फ़ाइटर्स यहाँ और वहाँ फ़ाइट्स करते हैं। टीम्स सेलेक्ट हो रही है यहाँ से, पूरे सूबे भर से एमएमए के फ़ाइटर्स आए हुए हैं, और इनके साथ इनके क्लब, इनके कोचेस, तमाम खिलाड़ी यहाँ पे आए। जी सर, आज ये ट्रायल्स हो रहे हैं, ये किसके तहत हो रहे हैं? ये नेशनल ट्रायल्स हो रहे हैं और ये पाकिस्तान मिक्स मार्शल फेडरेशन के तहत हो रहे हैं। यहाँ पर ये सिंध के ट्रायल्स हो रहे हैं जो कराची में मुनक्किद हुए हैं केएचए हॉकी स्टेडियम के अंदर। यहाँ से ट्रायल्स में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ से ट्रायल में जो सिंध की टीम बनेगी वो लाहौर जाके लड़ेंगे। लाहौर में काला शाह काकू है, वहाँ जाके हम लोग ये इवेंट खेलने जाएंगे। वहाँ से फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? वहाँ से अगर जो लड़का जीतता है तो फिर बिल्कुल इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के तहत, जो है IMMAF के तहत, हम लोग इंटरनेशनल फाइट खेलने के लिए लेके जाएंगे। हमने हर एक छोटे बड़े एरिया से जितने जो एमएमए के क्लब थे उधर के फाइटर जमा किए हैं, और इस वक्त सिंध का ट्रायल हो रहा है पूरा, तो टैलेंट है और माशाल्लाह से ये सेकंड। यू नो एक परसेप्शन है कि लड़कियां वीक हैं, कि वो यू नो कमज़ोर हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस परसेप्शन को तोड़ दूं कि लड़कियां भी लड़ सकती हैं, लड़कियां भी यू नो जिम में जाकर लिफ्ट करती हैं। तो उन लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज, एक मैसेज है कि आप कुछ भी शुरू कर लें, अगर आपको वॉक के लिए जाना है, वेट्स उठाने हैं, आई प्रॉमिस कि आप मर्द की तरह नहीं लगेंगे। अगर आप थोड़े से वेट्स उठा लें आप वैसे मजबूत हो जाएंगे जिस्म में और दिमाग में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिमाग में आपकी मजबूती, लाइक यू नो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है यहाँ की लड़कियाँ जो मुल्क पाकिस्तान है इंटरनेशनल फाइट के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं? ज़रूर मौजूद है एक एमएमए जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है वो ज्वाइन करके बाकी लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बाकी लड़कियों को भी यही कहना चाहूँगी कि वो खुद को काम ना समझें, इसमें पार्टिसिपेट करें, ये लड़कों के से ज़्यादा लड़कियों का गेम है। सही है, अगर आप ये करेंगे आप स्ट्रॉन्ग होंगी, अपने घर में भी आप जो है अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, आप कहीं बाहर जाएंगी आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगी, आप सब अकेले खुद कर सकेंगी और आप और लड़कियों के लिए भी मिसाल बनेंगे। तो मैं सब लड़कियों को कहूँगी कि आप कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे सोचें कि भाई हम ये करेंगे तो हम बाकी चीज़ें कैसे करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के साथ लेके इसको चल सकते हैं, अपने ऑफिस के साथ, जॉब के साथ, या जो भी घर के काम आपकी जिम्मेदारियाँ उसके साथ आप कर सकती हैं। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं मांगता और आपको ये करना चाहिए, ये आपके सेल्फ डिफेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। जो आपकी फाइट हो गई है तो कैसा एक महसूस होता है? मैं अपनी फाइट तो मैं खैर हार गई, उसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा वो मेन पॉइंट था कि मेरी जो ओपोनेंट थी वो मुझसे हैवी वेट में थी और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, वो इंटरनेशनल फाइटर थी, और मुझे यहाँ 3 मंथ हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए एमएमए की, तो मेरी केज की फ़र्स्ट फाइट थी और मेरे यहाँ पे ट्रायल्स है, तो पहली फाइट ही सीनियर के साथ मैंने ये चैलेंज समझा अपने लिए और मैंने एक्सेप्ट किया और मैं बैक ऑफ नहीं हुई और मैं लड़ी अपने दिल से।
लगती है कि जो ये लड़कियां हैं इसमें इतना टैलेंट मौजूद है कि वो इंटरनेशनल फाइट भी खेल सकते हैं, वहां तक पहुंच सकती हैं? जी ज़रूर, हमारे क्लब की बहुत सारी लड़कियां इंटरनेशनल फाइट्स के लिए जा रही हैं, हमारे क्लब में और भी हैं, और भी लड़कियाँ जो कैंप होता है लड़कियाँ तैयार होती हैं और फिर वो इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके घर वालों को।